हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। कराची बहुत बड़ा और बहुत ही अहम शहर है, लिहाजा कराची में जो कुछ होगा पूरा मुल्क उससे कंसर्न महसूस करेगा। कराची में हमेशा बड़े ड्रामाई वाकयात होते रहते हैं लेकिन आजकल तो बहुत ही ड्रामेटिक हो रहे हैं। आजकल तो एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार और एमकेएम पाकिस्तान की राबता कमेटी आमने सामने आए हुए हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि मैं पार्टी का सरबराह हूँ, टिकट्स मैं दूंगा। राबता कमेटी ने आज बाकायदा तौर पर ख़त लिख दिया कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ही ये टिकट्स के हवाले से फैसले करेंगे, उनके साइन से लेटर्स इधर आएंगे। दूसरी तरफ आज लोधरा के जलसे में शेख रशीद खुश हो रहे थे क्योंकि एलएनजी मुआहदे का जो उनका केस है वो सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मंजूर हो चुका है। और नवाज शरीफ तो वैसे ही कह रहे हैं कि आजकल जिस अदालत में भी जाएं हमारे ही केस चल रहे हैं। मसलन सुप्रीम कोर्ट में पार्टी सदर की जो तरमीम हुई थी वो केस चल रहा है, नहली की मुद्दत के ताई उनका केस चल रहा है, फिर ये एलएनजी वाला केस आ गया, एहतसाब अदालतों के केसेस चल रहे हैं। ये सब कुछ ऐसे वक्त में मैच्योर होता हुआ नजर आ रहा है जब सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं, जो कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हमारे आइन के मुताबिक एक प्रोसेस आगे बढ़ा है। नाज़रीन यही हमारे मौजूदात हैं, मेहमानों का मैं तारुफ करा देता हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सैनेटर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम रिटायर्ड साहब, नून लीग से ताल्लुक, बहुत शुक्रिया सैनेटर साहब, जनरल साहब आपने वक्त दिया। जनाब हामिद मीर साहब मेरे दूसरे मेहमान हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तजिया निगार हैं, लेकिन मैं हमेशा इनको कहता हूं कि आप जर्नलिस्ट हैं और हालिया वाकयात जो जैनब केस के हुए उसके बाद पूरी कौम ने देखा कि वाकई जर्नलिस्ट हैं अभी हामिद मीर साहब, सिर्फ एंकर नहीं है इस मुल्क में। और सरदार नबील गोबोल साहब ने मुझे कराची से ज्वाइन किया है, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जनरल साहब जो कुछ एमकेएम आपस में कर रही है वो तो उन्होंने फैसला करना है, लेकिन यहाँ बैठकर इसी कराची में ऑपरेशन हुआ, 3.5 साल ऑपरेशन चलता रहा, अमन आया, किस हद तक मरकज कंसर्न्ड है कहीं ये आपस में लड़ाई झगड़ा खुदा ना खास्ता कोई और सूरत अख्तियार ना कर ले। ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहली बात यह है कि मीर साहब का आपने कहा कि जर्नलिस्ट, मैं कहूँगा ये दानिश्वर हैं। ऑनेस्टली मैं अगेन वेरी सिंसियर ओपिनियन दे रहा हूँ कि बहुत अच्छी बड़ी प्रॉब्लम और इनके साथ प्रोग्राम करने का कह रहा था, उनको तो समझ भी आ गई मेरी बात। दूसरा देखें, अभी सेनेट की सीटों के लिए हमारे ऊपर ये ज़्यादा इल्ज़ाम आता है पॉलिटिशियंस के ऊपर कि ये सीटें बिकती हैं, पैसे लगते हैं, हम कुंभा परवरी करते हैं, हमें टैलेंटेड लोगों को आगे लाना चाहिए ताकि अपर हाउस के अंदर ऐसे लोग हों जो लेजिस्लेशन करें और बेहतरीन पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अच्छे डिसीजंस हों, तो ये मतलब टैलेंट हंट होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली पार्टियों में दौड़ ये लग जाती है कि अच्छा जी किस बंदे को, कौन बंदा ज़्यादा फेवरेबल है उसको किया जाए। मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम के अंदर ये अच्छी बात है कि इन्होंने डिसओन किया अल्ताफ़ हुसैन को और वो पब्लिकली उन्होंने अपना सामान खुद पैदा किया इस तरह की तकारीर करके, और ये बड़ी बात है, यानी ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि इस तरह ये डिटैच हो जाएंगे। अब अगर फारूक सत्तार साहब को वो लीडर मानते हैं तो ऑफ कोर्स फारूक सत्तार साहब की बात पार्टी को माननी चाहिए, पहली बात मैं ये कहूँगा। और फारूक सत्तार साहब बड़ी हैरान कुन बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि ये मुलाजम है गवर्नमेंट के और हमारी राबता कमेटी के मेंबर हैं, ये तो मतलब सुगो मोटो एक्शन भी इस पे लिया जा सकता है कि ये कैसे हो सकता है कि लोग सरकारी मुलाजम हैं और पॉलिटिकल पार्टी। इतने गैर जिम्मेदार तो नहीं है, वो वैसे हवा में थोड़ी छोड़ रहे होंगे, कुछ लोग तो होंगे जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, उनके पास 10 की लिस्ट है, 12 की लिस्ट है, बिल्कुल। तो आई थिंक ऐसे भी नहीं होना चाहिए और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि लोग सरकारी मुलाजम हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी की वर्किंग उसके कमेटी के ऊपर है। आई थिंक ये बाकी पार्टियों में भी तारक इसी नुक्ते पर रहेगा। हामिद मीर साहब, क्या सिर्फ कामरान टेसूरी का मसला है कि उस पर एमकेएम पाकिस्तान अब इस तरह से खुल के बातें कर रही है? देखिए, कामरान टेसूरी साहब एक न्यू कमर है और उनकी वजह शोहरत यह है कि वो बहुत अमीर आदमी है, तो ये सिर्फ एमकेएम
का मसला नहीं है। आप देखें कि ये जो सेनेट का इलेक्शन है, इस सेनेट के इलेक्शन में बहुत से अमीर लोग जो हैं उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं वहाँ से सेनेट के टिकट ले लिए हैं, और लगता ये है कि ये जो सेनेट का टिकट है, इस सेनेट के टिकट के लिए जो असल क्वालिफिकेशन है वो आपका पढ़ा लिखा होना या आपकी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद नहीं है, बल्कि ये है कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो ये क्या बिक रहे हैं फिर टिकट्स इस बार भी? न सिर्फ सेनेट के टिकट जो हैं वो बिक रहे हैं, बल्कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो भी बिक रहा है। तो अब चीज एक्सपोज हो चुकी है ना, पूरी असेंबलियां बिक रही हैं। अब देखें ना कि पीपल्स पार्टी ने जो टिकट दिए हैं उसमें आप देखें कि एक दो लोग ऐसे हैं पंजाब से जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है या नहीं है। मसलन किन की बात कर रहे हैं? पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी ने जिन साहिबान को टिकट दिए हैं उनकी वजह शोहरत यह है कि वो किसी अहम सियासी शख्सियत के रिश्तेदार हैं। मसलन किन की बात कर रहे हैं? आप देखें ना, आप देखें ना जिनको टिकट मिली है, ठीक है। तो अब पंजाब असेंबली में मैं इलेक्टोरल कॉलेज की बात करूं, पीपल्स पार्टी के एमपीए कितने हैं? 8 हैं, ठीक है जी हाँ। सेनेटर बनने के लिए आपको 45 वोट चाहिए। एग्जैक्टली। तो अगर वो बन जाते हैं सेनेटर, और मुझे लगता है कि वो बन जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि कमाल किया ना उन्होंने कोई। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक इंसाफ के कम अज कम 3 जो टिकट होल्डर हैं उनका पीटीआई से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी असल क्वालिफिकेशन यह है कि उनके पास पैसे हैं। मसलन अयूब आफरीदी साहब की नाम किसी का ना लें, आप नाम किसी का ना लें, पैसे वाले तो फिर यही है, यही है ना। अच्छा, अब कामरान टिसोरी साहब जो है उनकी भी यही क्वालिफिकेशन है, और बलूचिस्तान से जिन लोगों ने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं उसमें बहुत से लोग आजाद उम्मीदवार की हैसियत से आए हैं। अब जब वो इलेक्ट हो जाएंगे आजाद उम्मीदवार, तो बलूचिस्तान असेंबली में तो सिर्फ एक आजाद उम्मीदवार है, एक एमपी है जो आजाद है, और वो भी अपोजिशन बेंचेस पे बैठते हैं, मक्सी साहब। बाकी तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो वो आजाद उम्मीदवार जो है 3 या 4 वो अगर इलेक्ट होके पीपल्स पार्टी में आ जाते तो खैर कुछ आइडिया नहीं रह गया ना बलूचिस्तान असेंबली में कि तो पार्टी की क्या अक्सरियत है। कहने का मकसद यह है कि ये सिर्फ एक कामरान टिसोरी नहीं है, कामरान टिसोरी पीपल्स पार्टी में भी है, कामरान टिसोरी पीटीआई में भी है, कामरान टिसोरी एमएम भी है, पीएमएलएन में भी है। राबता कमेटी को उनके पैसे वाला होने की वजह से एतराज है? मैं समझता हूँ कि राबता कमेटी के बहुत से जो तहफ़ुज़ात हैं वो बड़े जायज हैं, कि कल एक बंदा आया उसको एक साल भी नहीं हुआ, पहले उसको आपने बाई इलेक्शन की टिकट दिलवा दी, बाई इलेक्शन हार गए वो, अब पूरी राबता कमेटी को बाईपास करके डिप्टी कन्वेनर बना दिया। तो इस तरह तो नहीं ना होता इस तरह के कामों में। तो अगर आप कहते हैं कि एमक्यूएम जो है वो ग्रास रूट की पार्टी है, मिडिल क्लास की पार्टी है, तो मिडिल क्लास की पार्टी का जो डॉक्टर फारूक सत्तार है उसको इतना बड़ा स्टैंड किसी मिडिल क्लास के लिए लेना चाहिए, किसी अमीर आदमी के लिए नहीं लेना चाहिए। सरदार साहब आपकी तरफ आऊंगा, पहले तो थोड़ा सा समझने के लिए, आप कराची में बैठे हैं, आप खुद एमक्यूएम में भी रहे हैं, राबता कमेटी बनी थी जब अल्ताफ हुसैन लंदन में था और यहां रवाबत के लिए नाम भी राबता कमेटी रखा गया, क्या वाकई जब से इन्होंने अल्ताफ हुसैन को डिसोन किया वहां पार्टी का स्ट्रक्चर मौजूद है, तो राबता कमेटी रखने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? देखिए, फारूक सत्तार ने तो सबसे पहले ये कोशिश की, सबको ये मैसेज देने की कोशिश की कि ये नया एमक्यूएम बना है और जो पुरानी एमक्यूएम है उससे डिटैच करके एक नया एमक्यूएम बनाया उसने, और इसलिए उसने जल्दबाजी में राबता कमेटी बनाई, और उस राबता कमेटी में जल्दबाजी में उसने 10 ऐसे लोग लिए जो नौकरी पेशा है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि एमक्यूएम के अंदर कुछ एमपीएस एमएनएस भी हैं जो सैलरीज लेते हैं बाकायदा केडब्ल्यूएसबी से, नेशनल बैंक से और दूसरे बैंक से, एमपीएस एमएनएस भी हैं, वाटर बोर्ड से, केडब्ल्यूएसबी वाटर बोर्ड है, केपीटी से, केपीटी अभी आपको पता है कि नैब ने केस खोला है बाबर गौरी के खिलाफ कि उसने गैर कानूनी भर्तियां की हैं। तो मैं समझता हूं कि 95% जो एमक्यूएम के अहदेदारान है वो नौकरी पेशा है। अब फारूक सत्तार के साथ जो कहानी हुआ ये स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहे हैं फारूक सत्तार जो है, ये स्क्रिप्ट जब बनाया गया था 23 अगस्त को, ये किसका स्क्रिप्ट था? किसका स्क्रिप्ट था सरदार साहब? बड़ी देखिए, ये उन लोगों का स्क्रिप्ट है जो कामरान टिसोरी टाइप के लोगों को आगे लाने की कोशिश करते हैं, ये उन लोगों का है। फारूक सत्तार इसमें खुद इन्वॉल्व है। देखिए, फारूक सत्तार जब रेंजर्स हेडक्वार्टर में जो रात उसने गुजारी है और जब वो बाहर निकला, तो उसी दिन से आपने नोट किया होगा
कि उस कामरा टिसोरी उसके साथ था, उसने कल परसों एक स्टेटमेंट में भी ये तासर दिया कि आज एमक्यूएम जो बची हुई है या एमक्यूएम जो चल रही है, जो एमक्यूएम के दफादर खुले हुए हैं और जो एमक्यूएम के लोग आजाद फिर रहे हैं, उसमें कामरान टिसोरी का बड़ा हाथ है। तो ये मैसेज किसकी तरफ वो दे रहे हैं, और क्या आप देखेंगे हैदर अब्बास रिजवी का कल फोन आया और उस पर जो है वो उसको डांट रहे हैं कि तुमने मैसेज क्यों दिया कि बादराबाद वाले जो है वो बादराबाद चले जाए। तो मकसद ये देखे, ये लिंक्ड है, ये सब एक दूसरे के साथ लिंक है। और मैं ये आपको कहूं कि एमक्यूएम लंदन की खामोशी जो है ना, ये खामोशी नहीं है, एमक्यूएम लंदन भी जो है इनके साथ रابطے में है। अब वो फारूक सत्तार के साथ है, आमिर खान के साथ है, लेकिन दोनों में से एक ग्रुप के साथ रابطے में है। तो ये सब इंटरलिंक्ड है। और ये लेकिन सत्तार साहब, ये जिस तरह से लड़ाई हो रही है अब तो बहुत ओपन हो गई। अभी वो बादराबाद 7 बजे इजलास बुलाया था डॉक्टर फारूक सत्तार ने, लेकिन उससे पहले ही राबता कमेटी ने अपना एक ऐलामिया जारी कर दिया, खत इधर लिख दिया। राजा साहब आप नहीं, पराजा साहब आप एक चीज नोट करें, इसमें शो क्या हो रहा है, इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें ये शो हो रहा है कि अगर एमक्यूएम पुरानी वाली होती तो आज एक शख्स को भी हिम्मत नहीं होती कि वो पॉलिसी के खिलाफ बात करती। आज अगर पुरानी एमक्यूएम होती तो ये मुत्तहिद होते हैं, और आज देखें पुरानी एमक्यूएम नहीं है तो एमक्यूएम बिखर गई। ये एक बहुत खतरनाक मैसेज दिया जा रहा है, और ये उन लोगों को दिया जा रहा है जो एमक्यूएम के वोटर्स है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ये कह रहे हैं कि हम आने वाले इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं लेंगे, ना वोट डालने जाएंगे, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव कोई है नहीं, हम किसको वोट डालें, क्योंकि महाजिर वोट बैंक जो है वो टूट चुका है, वो बिखर चुका है। और मैं पहले कह चुका हूं कि ये तीन ग्रुप में बिखर चुका है, और ये तीन ग्रुप जो है उसके बाद जो है कहा जाएगा कि यार जो भी था एमक्यूएम पहले वाला सही था, ये इस तरह का एक इंप्रेशन देना चाह रहे हैं। ये वही लोग हैं जो इस वक्त राबता कमेटी के अंदर बैठे हैं, इंक्लूडिंग फारूक सत्तार। इसी नुक्ते पर रहेगा सरदार साहब, मुझे नाजरीन ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सेनेट के इलेक्शन के हवाले से बातें हुई, जरा मुख्तलिफ एंगल से उसका जायजा लेंगे। स्टे विद अस, वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताजा तरीन सूरत हाल के हवाले से। जनरल साहब, अभी सेनेट की लिस्टों की बात हुई, पंजाब से आपके उम्मीदवार भी सामने आए, इमरान खान ने खासी बात की गुज़श्ता रोज भी और फिर लोधरा के जलसे में भी चर्चा रहा कि इसहाक डार साहब के टिकट पर उनको सख्त एतराज आते हैं, केसेस चल रहे हैं, गो के कन्विक्शन नहीं हुई। वो कहते हैं कि बकौल इमरान खान के मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने की, मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। मॉरली दुरुस्त था इसहाक डार साहब को टिकट देना जब स्पेशली केसेस चल रहे हैं, पता भी नहीं है रिजल्ट क्या आता है। देखिए, इससे पहले मैं एक बात तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का मसला हम कह रहे हैं, जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, ये कल मीर साहब के प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर को भी इन्होंने ये क्वेश्चन किया था, और उन्होंने कहा था कि हमने अपनी पार्टी की मीटिंग में ये कहा कि देर इज़ नो क्वेश्चन कि हमारी तरफ से, अगर खा हमारे अपोनेंट्स ये कर भी रहे हैं, और आप ये देखेंगे कि हमारे ये कैंडिडेट्स ज़्यादातर जो लोग हैं, ये जो भी नॉमिनेट हुए हैं, ये कोई ऐसे लोग नहीं है जो पैसे देंगे पार्टी में या उधर देंगे। तो एक तो मैं नून के हवाले से ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक सेनेटर हूँ एंड मैं पर्सनल इसकी एग्जांपल हूँ, कि देर इज़ नो क्वेश्चन कि ये पैसे का वो होता हो ये, लेकिन और बाकी पार्टियों को भी चाहिए कि इसको ऑन सेल ना लगाएं, इसी से निज़ाम की जो है वो बदनामी होती है, और यही बहाना मिलता है हमारे मुल्क के दुश्मनों का भी, और वो ये सारी मलबा जमहूरियत पे डालते हैं और पार्लियामान पे डालते हैं जिससे हम कमज़ोर होते हैं। दूसरी बात आपने इसहाक डार साहब की है, तो देखिए इसहाक डार साहब के ऊपर केसेस हैं फॉर श्योर, ये रियलिटी है, और उन्होंने एप्लीकेशन देना उनका अपना राइट है, उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है, इसके बाद एक प्रोसेस है कि वो उसकी स्क्रूटनी होगी, इलेक्शन कमीशन के पास आएगा, अदालतें खुली हुई हैं, जो इमरान खान साहब के तहफ़ात हैं वो सामने लाए जा सकते हैं। तो अगर उनको कोई ये जो लीगल हमारा प्रोसीजर है वो क्लियर करेगा तो वो होंगे, नहीं होंगे तो उनके लिए स्टैंड बाई कैंडिडेट है वो आ जाएगा। अहमद मीर साहब, यही सवाल आपसे, आप पंजाब के हवाले से पीपल्स पार्टी वालों की जो बात कर गए, जब यहाँ केस चल रहा था एहतसाब अदालत में से पहले JIT में हेयरिंग थी, तो आप इसी प्रोग्राम में इसी चेयर पे बैठ के कुछ बातें करके गए थे, इसहाक डार साहब को आप टिकट मिला है, इमरान खान सख्त एतराजात कर रहे हैं। इमरान खान के एतराजात की कोई इतनी अहमियत नहीं है, असल एतराजात वो हैं जो मुस्लिम लीग नून के अंदर से हो रहे हैं, कि इसहाक डार साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की कश्ती को बीच मंझधार के छोड़ के
और तबीयत की खराबी का बहाना बना के बाहर जा के बैठ गए। उन्होंने ये भी ख्याल नहीं किया कि मैं मुल्क का वज़ीर ख़जाना हूँ, और फिर वजारत ख़जाना से इस्तीफ़ा उन्होंने उस वक्त दिया जब कोई चाराकार ना रहा। अभी भी पता नहीं उन्होंने वापस आना या नहीं आना, इसके बावजूद उनको टिकट दे दी गई है। चलें, फिर भी ये कहा जा सकता है कि उनकी पार्टी से पुरानी वाबस्तगी है। अंदर कौन पार्टी के अंदर एतराज़ात कर रहे हैं आप? फिर मुस्लिम लीग के अंदर की बात कर रहे हैं कि वहां से एतराज़ात आ रहे हैं? इसहाक डार, मेरे पास अभी मेरे इस आईफोन में मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं उनके मैसेजेस मौजूद हैं कि हामिद मीर साहब, हम आपसे तवक्को कर रहे थे कि हमारी पार्टी में जो टिकटों में की तकसीम में जो नाइंसाफी हुई है उस पर आप कलमा हक बुलंद करेंगे, आप हमारा मुकदमा लड़ेंगे, आप हमारा मुकदमा नहीं लड़ रहे। मैंने फिर उनको जवाब दिया कि आप आपकी पार्टी आप खुद भी बोले ना कि मैं आपको प्लेटफॉर्म दे दूंगा, आप आगे लड़ें, ठीक है। तो इस वक्त क्योंकि इसहाक डार साहब कहते हैं कि मैं बीमार हूं और मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं, तो इसलिए मैं इससे ज़्यादा नहीं बात करूंगा कि एक बंदा जो मुल्क से बाहर है और ये पता नहीं है कि उसने वापस आना या नहीं आना, तो उसकी जगह पर ऐसे किसी शख्स को टिकट दे दी जाती जो कि पार्टी का वफादार भी हो और इसहाक डार साहब के स्टेचर का भी हो। ऐसे बंदे हैं पार्टी में, और मसलन सरताज अजीज साहब को क्यों नहीं सेनेट के टिकट देते जी? क्यों नहीं देते? नहीं देते ना। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा से एक साहब को टिकट दिया है, ठीक है। तो नाम जो है उनका, उसके नाम से तो लगता है कि वो बड़े बहादुर और बड़े दिलावर आदमी हैं, ठीक है। लेकिन अमीर मुकाम साहब जो हैं, उन्होंने उन साहब को अब सेनेटर बनवाने के लिए बड़े बड़े जो गुर्गे हैं उनको वक्त डाल दिया है। तो अब वो जिन साहब को टिकट दी गई है वो साहब जो है उनके नाम तो आपने बता ही दिया इशारों में तो इशारों में ही आजकल बात होनी चाहिए, ठीक है। आपने बता दिया, अब वो जो साहब हैं वो उनको सामने रखें, और पीटीआई ने जो 2-3 अरबपति जिनको टिकट दिया तो उनको सामने रखें, तो अरबपतियों का मैच पड़ गया। लेकिन पीटीआई ने फैसल जावेद खान को भी तो टिकट दिया है, देखे ना, वो अरबपति कहाँ है, वो करोड़पति कहाँ है, वो बेचारा हमारी तरह मिडिल क्लास का। देखे ना, उधर फैसल जावेद को टिकट दिया है, और पंजाब से राणा मकबूल साहब जो हैं, जो मुस्लिम लीग नून के बहुत ही पुराने वर्कर हैं, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं मुस्लिम, उनको भी टिकट मिल गई है ना जी? तो मिला है ना टिकट हामिद मीर साहब? फिर बैलेंस तो आप खुद कर रहे हैं। मैं राणा मकबूल साहब का जो जो सवाल है मैं सरदार साहब आपसे करना चाह रहा हूं। 20 सितंबर 1996 भी मुझे याद है जब मीर मुर्तजा भुट्टो को मारा गया और ये डीआईजी थे वहां पर। फिर 99 में आसिफ जरदारी साहब की जबान तशद्दुद जब उन पे किया गया तो इन्हीं का नाम आया था। ये क्या मैसेज दिया है नून लीग ने इनको टिकट का अनाउंस करके? आप कराची में बैठे हैं, वाकयात भी कराची से रिलेटेड हैं, इसलिए मैं आपकी ओपिनियन जानना चाह रहा हूं। देखिए, नून लीग में जो है ना दो किस्म के लोगों की बड़ी इज्जत है। एक तो राणा सनाउल्ला टाइप लोग जो 14-15 लोगों को मरवाने के बाद भी जो है मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि मेरा कोई कसूर नहीं है। दूसरे आबिद बॉक्सर टाइप लोग जिनसे मारवा अदालत कत्ल करवाया जाता था, और ये राणा मकबूल जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उस जमाने में मैं भी मुझे भी जेल में भेजा गया था उनके ज़माने में, और आसिफ अली जरदारी साहब की ज़ुबान काटने में इस शख्स का जो है अहम किरदार था। आसिफ जरदारी साहब पे तशद्दुद करने में सिविल लाइन थाने में इस शख्स का अहम किरदार था। इसने पंजाब से टीम भेजी थी। ये क्रिमिनल लोग हैं, ये क्रिमिनल लोगों को बड़ी पोजीशन देते हैं ये बताने के लिए कि हम जो है हमारी पार्टी के अंदर गुल्लू बट टाइप लोग हैं, और अगर आप लोगों ने कोई हैंकी पैंकी की तो हम इनको आपके पीछे लगाएंगे। तो ये एक माफिया है, और सही कहा है सुप्रीम कोर्ट के जज ने कि सिसिलियन माफिया टाइप ये पार्टी को चला रहे हैं। अब खुदा ना करे कि शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अगर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गया तो फिर तो ये डंडे की जोर पर जो है मैं समझता हूँ मुल्क को चलाएगा। सरदार साहब मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे। सेनेट के इलेक्शन भी आ रहे हैं और फिर ये केसेस भी धड़ाधड़ उनकी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, क्या मामला बनेगा आने वाले दिनों हफ्तों और महीनों में? मेहमानों से ओपिनियन लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम मुल्की मामलात के हवाले से बात कर रहे हैं रूबरू में, और इमरान खान ने आज जलसा किया। मैंने शुरू में आपको बताया, फिर शेख रशीद एलएनजी केस के हवाले से बड़े खुश हो रहे थे। जरा इन पेशियों के केसेस के हवाले से और सेनेट के इलेक्शन पे हम बात करें। जलन साहब,
इमरान खान ने फिर आज वही बात की जो अब ब्रेक से पहले भी आपके साथ टेकअप की, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। वो कहते हैं नवाज शरीफ ने सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग की, पैसा बाहर ले गए, जहांगीर तरीन सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले हैं, ये दोनों का केस एक जैसा तो नहीं हो सकता। देखें अभी जो फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आज सियासी जो फिजा है इसमें कोई डाउट नहीं कि मुस्लिम लीग नून एक मकबूल तरीन कंपैरेटिवली जमात है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और इसको भी कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अपने इस टेन्योर में जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स और जितनी मतलब एक कंस्ट्रक्टिव काम अभी हुआ है ये पिछले 65-70 सालों में नहीं हुआ। ये कल प्राइम मिनिस्टर ने भी ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा अभी भी इतने प्रोजेक्ट हैं कि हम दो भी पर वीक उसको इनॉगरेट करते रहे तो हम उस 28 जुलाई के फैसले में इन चीजों को नहीं देखा गया। सुने मेरी बात। तो इसलिए जब हमारे पॉलिटिकल राइवल्स को यह नजर आता है कि नून का नाम आ जाता है तो फिर ऐसे ही है जैसे आप बुल को और रेड वो जो है ना दिखा देते हैं अटैक और वो अटैक करता। अभी नबील साहब भी कह रहे हैं ये माफिया भी हैं, ये क्रिमिनल भी हैं, ये सब कुछ अभी इनको सारा उसकी कर रहे हैं। मुझे लिखा ना नहीं माफिया गॉडफादर से मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने दिल से पूछे ना, आप तो ये नहीं कह सकते ना। देखिए मुस्लिम लीग जमात एक बड़ी पोटेंट और बड़ी एक सॉलिड जमात है और उसकी क्यादत नवाज शरीफ के पास है जो तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने। और आपकी पब्लिक नहीं कहना, अगर जमहूरियत पे ईमान है तो आप एक सिस्टम के तहत ही लोग ऊपर लेके आते हैं ना। आप उसको माफिया कहें, माफिया कहें, आप डाकू कह लें, आप जो मर्जी करें। अभी मनी लॉन्ड्रिंग की ये बात करें, इमरान खान ने लोधरा के जलसे में अभी देखें इमरान खान साहब को कोई प्रूफ लेके आए ना। देखिए ना अभी तक तो इन्होंने पानामा के चक्कर में आए, कोई भी प्रूफ अभी तक नहीं मिला तो केस उधर चला गया और फिर अकामा की साथ बात आ गई। अब ये कोई केस लेके आए मनी लॉन्ड्रिंग का कि ये इतने बिलियन या इतने करोड़ ये इधर से गए उधर गए हैं। आप ये कहते हैं उन्होंने टैक्स दिया है तो टैक्स देना है, आफ्टर ऑल उनके पास जो कुछ है असासे उनको भी जस्टिफाई करें, उनके ऊपर भी उसी अदालत ने उसी तरह का चार्ज लगाया है। तो वो कहते हैं ना मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा तू तू, ये जो चीज उनको पसंद है वो ठीक है, उधर है तो गलत। हामिद मीर साहब, आदम शायद खाकान अब्बासी का आपने इंटरव्यू किया, उन्होंने बड़ी वादे बात की कि वुदरा को फौज और अदलिया के बारे में बयान देने से मना किया। हम अदालती केसेस की बात करते हैं, उन्होंने आप ही को बताया वजीर आजम पाकिस्तान ने कि चूंकि दानियाल अजीज भी वफाकी वजीर हैं और तलाल चौधरी भी काबीना का हिस्सा है कि वो माफी मांगेंगे माफी। क्या तलाल चौधरी तो आपके शो में आए हुए थे फिर भी वो और बात देखें, जो दानियाल अजीज के का जो रवैया है उससे तो मुझे लग रहा है कि वो माफ़ी मांग लेंगे क्योंकि अब वजीर आजम ने भी कह दिया पब्लिकली तो उनको मांग लेनी चाहिए। तलाल चौधरी साहब ने एक सख्त पोजीशन ली हुई है कि ये हमारा असूली मौकफ है, तो अगर तलाल चौधरी साहब ने गोलमोल अंदाज में कहा कि जी नहीं मैंने तो नहीं की तोहीन नहीं की तो फिर शायद मुश्किल होगा उनके लिए। दानियाल साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है ले लेंगे, उनके वालिद साहब ने भी उनको ये मशवरा दिया कि भाई अदालत के साथ पंगा नहीं करना। तो अनवर जी चौधरी साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है, उन्होंने भी उनको ये मशवरा दिया। निहाल हाशमी की माफ़ी मंजूर नहीं हो, लेकिन निहाल हाशमी की माफ़ी बिल्कुल डिफरेंट है। निहाल हाशमी साहब के साथ उनकी पार्टी खड़ी नहीं हुई, पूरी पार्टी ने डिसओन कर दिया। तो निहाल हाशमी साहब का को सजा तो इसलिए नहीं मिली कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी, उनको तो सजा इसलिए मिली है कि उनकी पार्टी ने भी उनको डिसओन कर दिया और जब उसको सजा मिल गई फिर उसको ओन कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है। इनको पार्टी पीछे खड़ी है तो क्या पार्टी इनकरेज कर रही है ना? मुझे नहीं पता कि पार्टी इनकरेज कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन मेरी जो खुद बात हुई है दानियाल साहब से भी और तलाल चौधरी साहब से भी, तो दोनों जो हैं वो चाहते हैं, दोनों नौजवान हैं, दोनों सियासत में रहना चाहते हैं, दोनों को सियासत में रहना चाहिए। दोनों अगर आजी और इंकसारी के साथ अदालत से माफ़ी मांगते हैं मेरी जाती राय में उनको माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन उनको माफ़ी मांगनी चाहिए उसी आजी और इंकसारी के साथ जो के कानूनी ज़रूरत है। क्योंकि आप देखें कि जो डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी कुछ दिन पहले, तो उसमें जब मैंने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की चीफ जस्टिस साहब से कि अगर ये यहीं पर आपसे माफ़ी मांग लें तो आप इनको माफ कर दें, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था देखना पड़ेगा कि ये कितनी आजी और इंकसारी से माफी मांगते हैं। तो माफी भी नहीं मांगी ना तो उन्होंने माफी भी नहीं मांगी। अब अगर वो मांगेंगे तो मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। और तो मैं समझता हूं कि दानियाल अजीज और तलाल चौधरी जो हैं उनको जो अब डेट्स मिली हैं उन डेट्स पे अगर वो बहस करने की बजाय अपने वकील के जरिए फौरी तौर पर माफी मांग लेंगे गैर अनकंडीशनल तो उनको रिलीफ मिल सकता है। अगर वो बहस करेंगे तो शायद उनको रिलीफ ना मिले। लेकिन एक बात मैं जरूर करूंगा
कि ये जो इस वक्त पॉलिसी है ना, जब वज़ीर-ए-आज़म ने भी पब्लिकली पूरी कौम को बता दिया कि मैंने अपनी कैबिनेट को और पार्लियामेंट्री पार्टी को कहा है कि आपने जो रियासती इदारे हैं खासतौर पर फौज और अदलिया उनके खिलाफ आपने बयानबाजी नहीं करनी, लेकिन दूसरी तरफ आप जलसों में जाके तो आप रियासती इदारों के खिलाफ जोर लगा के गला फाड़ के तकरीर करते हैं और फिर आप उससे तालियां भी बजवाते हैं। तो इससे हो सकता है कि वक्ती तौर पे आप एक मकबूलियत का ग्राफ आपका बढ़ रहा है, आप सुल्तान राई बन रहे हैं, मुस्तफा कुरैशी बन रहे हैं। अल्टीमेटली इसका नुकसान इदारों को नहीं, अल्टीमेटली नुकसान आपको होगा। दो चीज़ों का हमारी पोलिटिकल पार्टीज को ख्याल करना चाहिए, इदारों के खिलाफ जो मुहाजराई की पॉलिसी है इससे इनको भी नुकसान है, मुल्क को भी नुकसान है। और दूसरी बात है क्या, और अगर ये तकरीरें नहीं करें, उन फैसलों की बात नहीं करेंगे तो फिर तहरीक अदल क्या है? फैसलों के पे तनकीद करें ना, लेकिन ये कहना कि जज बुगज रखते हैं, जज गुस्से में हैं, मियां साहब इन जजों को उठा के बाहर फेंक दो, ये अच्छी बात नहीं। और दूसरी बात कि ये सियासी जमातें जो हैं इस माहौल में, जबकि इस वक्त पाकिस्तान में एक मकतबा फिक्र ऐसा है जो ये चाहता है कि ये निज़ाम ना चले, और वो आज भी एक अखबार में कॉलम छपा हुआ है कि मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए, हालांकि आर्मी चीफ कह चुके हैं सेनेट में आके सदारती निज़ाम जो है वो मुल्क में अच्छा मौजूद थे उस वक्त। इसके बावजूद अगर लोग ये कह रहे हैं कि सदारती निज़ाम होना चाहिए, तो उन लोगों का जो नैरेटिव है उसको डिफीट करने के लिए पोलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि ये जो सेनेट का इलेक्शन है इसमें ये अच्छे लोगों को टिकट देते, लेकिन ये जिस किस्म के लोगों को ये चार बड़ी पार्टियां पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई और एमक्यूएम जिस किस्म के लोगों को ये लेके आए हैं, ये उससे ये जो पार्लिमानी जमहूरियत के मुखालिफ लोग हैं, जो जमहूरियत के दुश्मन हैं, उनके नैरेटिव को ये मजबूत कर रहे हैं कि हम जनाब ये अरबपतियों और करोड़पतियों को टिकटें देते हैं। सरदार साहब, एलएनजी के खिलाफ, एलएनजी मुआहदे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की डेट मुकर्रर कर दी, नवाज शरीफ या शरीफ बरादरान या उनकी पार्टी के दीगर लोगों के केसेस अब मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, क्या देखते हैं आप, आउटकम क्या नजर आता है? सेनेट इलेक्शन भी आ रहे हैं, क्या बिल्कुल टाइमिंग मैच करेगी, सिमल्टेनियस होंगे ये सारे काम? शौकत साहब, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसे फैसले आने वाले हैं जिससे मुझे लगता है कि सेनेट के इलेक्शन भी मुतासर होंगे और जनरल इलेक्शन भी मुतासर होंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा हॉर्स ट्रेडिंग का जो बलूचिस्तान में भी हो रही है, और बल्कि मैं आपको मज़ेदार एक बात बताऊं कि हॉर्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व कौन है, यानी आप अगर कहेंगे हम पे इल्ज़ाम लगते हैं, लेकिन कभी आपने तारीख में सुना है कि अपनी ही जमात को खरीदने के लिए अपने ही MPs को पैसे देने पड़ रहे हैं? यानी बलूचिस्तान में PML नून अपने ही उन नाराज MPs को खरीद रही है ताकि वो अपने ज्यादा से ज्यादा सेनेटर इलेक्ट करवा सके। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग का अगर नून लीग यही कहती है कि हमारी हुकूमत ही गिराई गई इसी तरह के काम करके, आप वो हम पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सच आपको बता रहा, देखे मैं बलूचिस्तान के MPs मेरे जाती दोस्त हैं, मुझे एक एक शख्स का पता है कि किसने किससे क्या रब्ता किया और कितना ऑफर दिया, और अमाउंट तो मैं आपको पहले भी कल भी एक प्रोग्राम में बता चुका हूं कि 25 करोड़ से भी आगे बढ़ गया अमाउंट, ये 30 करोड़ तक पहुंच गया एक MPA का रेट जो है, और वहां पर आपको पता है 6 से 7 MPs जो है वो इलेक्ट कर जाते हैं। सरदार साहब अगर आप इजाजत दें मैं प्रजा साहब को दिखा देता हूँ। जी, ये जो बात कर रहे हैं ये नून लीग के MP हैं बलूचिस्तान के, ठीक है, अब वजीर हैं, इन्होंने मुझे मैसेज दिया हुआ है, आप इनका नाम नहीं बोलेंगे, ठीक है मैं आपको दिखा दूंगा इनका नाम। जी ठीक है, इन्होंने कहा है ऑनेस्ट टू अल्लाह मीर साहब देर वॉज नो रोल ऑफ PPP इन दिस चेंज, इवन आई वॉज ऑफर्ड 500 मिलियन बाय 50 करोड़, यानी आगे उस बंदे का नाम मैं नहीं बोलूंगा जिसने ऑफर किया है, वो मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा लीडर है, अभी मैं आपको भी और जनरल साहब को दिखा दूंगा। 500 मिलियन जी, 50 करोड़ मुस्लिम लीग, मेरी बात सही हुई ना? तो आप रेट कम बता रहे हैं ना उस बेचारे का? नहीं, आधा रेट बता रहे हैं। आप जिस MPA की बात कर रहे हैं वो खुद भी अरबपति है, तो इसलिए उसके लिए ये वाला गरीब MPA की बात कर रहा हूँ, ये करोड़पति भी नहीं है, ये करोड़पति। चलो
चलो आप वाले एमपीए को 50 मिल रहा है जो मेरा दोस्त हामिद मीर साहब तो प्रूफ दिखा रहे हैं, इनको मैसेज आया है, उनका नंबर भी है इनके टेलीफोन में, उनका स्टेटमेंट भी लिखी हुई है। इसका मतलब मैंने पराचा साहब, इसका मतलब ये कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैं तो सप्लीमेंट कर रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन मीर साहब कह रहे हैं कि आपने रेट कम कर दिया है। इसमें एक पार्शली बात जो है, मैं इस मैसेज में जो है कि इसमें पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं है, इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। पीपल्स पार्टी का किरदार था, लेकिन ये जो इन्होंने सरदार नबील गबोल साहब ने जो 25 करोड़ की बात की ना, आपको उस पे मुझे इतराज है, वो कम थी। 50 करोड़ पे ऑफर हुआ था इस वजीर को कि हमारे साथ ही रहो, और ये नून लीग खुद अपने बंदे को दे रही है। बंदा नून लीग का बंदा है ये, और उसको जिसका नाम आगे मैं पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ ले आप। बस मैंने पढ़ लिया, वो भी नून लीग का है जी, मैंने पढ़ लिया सरदार साहब। मेरा ख्याल है मुझे भी समझ आ रही थी, अगर नहीं भी पढ़ता मैं नाम तो आइडिया था जी। कंटिन्यू करें, मैंने सवाल किया आपसे, इंपैक्ट की बात कर रहे थे आप। आपका सवाल दोबारा रिपीट करें। हामिद, मैंने कहा ये जो कुछ हो रहा है इसके असरात क्या होंगे, ये आखिर जाहिर है हर एक काम का, हर एक फिनोमिनन का कॉन्सिक्वेंस होता है ना। देखें असरात तो बहुत पहले आने चाहिए थे, और हम तो ये एलएनजी केस का कितना पुराना केस है, आप देखें कि और भी दूसरे केसेस हैं। मैं समझता हूँ जो नवाज शरीफ के ऊपर जो 6 महीने का सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था कि फैसला आने पे, और आई थिंक 2 महीने रहते हैं, 2 महीने में फैसला आएगा। और मैं पहले कह चुका हूँ कि नवाज शरीफ मुझे पिंजरे में नजर आ रहे हैं, इजिप्ट के सदर की तरह, हुस्नी मुबारक की तरह, और वो निकल नहीं सकते इन केस। लेकिन हुस्नी मुबारक तो निकल गया ना सरदार, हुस्नी मुबारक तो निकल गया, नहीं हुस्नी मुबारक तो 5 साल